हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सभी दोस्तों राम, आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि अमाना वॉशिंग मशीन में F2 या E2 का एरर कोड आए तो आपको क्या समझना चाहिए। इसका मतलब होता है कि डोर लॉक दरवाज़ा आपका बंद नहीं है, या आपके वॉशिंग मशीन का डोर लॉक स्विच ख़राब है, या आपके वॉशिंग मशीन के डोर लॉक स्विच पे सप्लाई नहीं आ रही है, या उसका तार कहीं ख़राब है, या PCB ख़राब है। इन चार चीज़ों से आपके वॉशिंग मशीन में F5 या E2 का एरर कोड आता है। तो E2 का जो एरर कोड, F5 का एरर कोड आता है, तो आपको सबसे पहले गेट बंद करना होगा। अगर गेट आपने बंद कर दिया है तो डोर लॉक स्विच को काम कर रहा है कि नहीं, उसको आपको देखना पड़े। क्या डोर लॉक स्विच पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर डोर लॉक स्विच पे सप्लाई आ रही है तो क्या डोर लॉक स्विच से सप्लाई जा भी रही है, उसको आपको चेक करना पड़े। अगर डोर लॉक स्विच पे सप्लाई नहीं आ रही तो उसका वायर चेक करें, अगर वायर ठीक है तो PCB चेक करके, PCB ख़राब हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ F5 E2 का एरर कोड हट जाएगा, आप इन चीज़ों को चेक करके सही कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।